मिंटू पापा सोए हैं, चल बैठ जल्दी, ऑटो से घूम के आते हैं। भैया तुम्हें ऑटो चलाने आती है क्या? मैं ट्रेन, एरोप्लेन, बस सब चला लेता हूँ, ये ऑटो तो बहुत छोटी चीज है, चल बैठ जल्दी। देख क्या रहा मिंटू, वो पत्थर उठा और जोर से मार के भगा दो।
मिर्ची। ये देखो मिर्ची खा रहा हूँ, मिर्ची खा सकती हो? बोलो भैया, मिर्ची मैं भी खा सकता हूँ। ये देखो बचलो खा गया, चुड़ैल आंटी डर रही है मिर्ची खाने से। मैं डरती नहीं हूँ, सबको डराती हूँ। मिर्ची फेंको, अभी खा के दिखाती हूँ। तो ठीक है, ये लो, अच्छा से चबा के खाना। ठीक है, आ करो, मैं ये केला खिलाता हूँ। अरे फिर से मिर्ची खिला दिया, बहुत जोर से तीता लग रहा है तीता। रुको चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हें ये मीठा मीठा आम खिलाता हूँ। तू भी मिर्ची खिला दिया, मर गया रे, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। खून पीने से तीता नहीं मिटेगा चुड़ैल आंटी, जल्दी पानी पियो पानी। कहाँ है पानी? अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कुआं है, उसमें डूब के पी लो। भाइयों एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने भी तो मिर्ची खाई थी, तुम दोनों को तीता क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग मिर्ची को बिना काटे डायरेक्ट पेट में निगल गए। हाँ लेकिन भैया कल सुबह पॉटी करते समय तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मिंटू जो होगा सुबह देखा जाएगा, अभी यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो चुड़ैल कुआं में से फिर से आ जाएगी हम लोग का खून पीने। अरे वाह, ये झाड़ू में बैठकर उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ हाँ मिंटू, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी जादुई डंड किसने चुरा ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे चील जा, जिसने मेरी जादुई डंड ली है उसे सबक सिखा के आ। अरे मिंटू ये चील तो हमारे पीछे ही आ रही है। हाँ हाँ भैया जल्दी भगाओ, नहीं तो ये चील मेरा टकला फोड़ देगी। अरे अरे मेरा टकला फोड़ दी रे, बचाओ बचाओ। चिंटू मिंटू तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप तो घर में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको रुको अभी बताता हूँ। अरे पापा मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं उसने पूछा था। मैं तुम्हारा पापा नहीं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। भैया तुम्हारे सामने ये चुड़ैल मुझे जोर से थापड़ मार दी। अभी तो सिर्फ थापड़ ही मारी हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। अब क्या होगा भैया, मुझे अभी नहीं मरना था। ये जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ रसगुल्ला आइसक्रीम खाने को मिलती है। वो देख मिंटू हाथी। अरे वाह बिल्कुल सही समय पे आए हैं, अब हमें हाथी चाचा बचा लेंगे। पागल मिंटू, हाथी चाचा नहीं हाथी राजा बोल, हाथी राजा। अच्छा ठीक है हाथी राजा, जल्दी पास आ जा, ये चुड़ैल का बजा दे बैंड बाजा। ये हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता बच्चों, अभी मैं इसकी क्या हाल करती हूँ देखो। हे मेरी जादुई डंड, इस हाथी को ओ माँ जोर से मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। नहीं मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम ले लो, 5, 10, 15, 20, 25 का, कुल्फी मलाई बर्फ सब है। हाथी राजा मुझे आइसक्रीम खानी है, बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। भैया घर से बहुत दूर आ गए, अब हमें गाय को लेकर घर जाना चाहिए। तू डर मत मिंटू, आज मैं इस गाय को बहुत सारा घास खिलाऊंगा, तब शाम को बहुत सारा दूध देगी, फिर दोनों मजा से दूध रोटी खाया जाएगा। अरे भैया जिंदा रहेगा तब ना खाएगा दूध रोटी, आगे तो देखो। आगे क्या है आगे? अरे वाह हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं भैया, हड्डी वाला बोट टंगा हुआ है। तू हड्डी से ज्यादा डर मत मिंटू, तेरे अंदर भी तो हड्डी है। गाय को चरने दे, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरा होगा भैया, देखो नीचे हड्डी गिरा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चल आजा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की?
अब तुम बचोगे नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आता, आगे से हटो चुड़ैल आंटी। मुझे ही मार रहे हो, अभी बताती हूँ। चुड़ैल आंटी, तुमने हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा दी? मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। क्या जिंदा खा जाओगी? मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं डांसर बनना चाहता था, मरने से पहले मुझे एक बार नाचना है। ठीक है जल्दी नाचो, फिर मैं तुम दोनों को मजा से खाऊंगी। नाचो भैया, हम लोग मरने वाले हैं, नाचो। अरे ये नाचना बंद कर मिंटू। अब तुम दोनों रेडी हो ना मरने के लिए? चुड़ैल आंटी, मेरी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब तुम्हारी इच्छा क्या है? इतने सारे तरबूज रखी हो, उसमें से मुझे बस एक तरबूज खाने दो। ठीक है जाओ जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे छोड़ो चुड़ैल आंटी, लो तुम भी तरबूज खाओ। और एक लो। वाह भैया, मजा आ गया, तुमने तो चुड़ैल आंटी की बैंड बजा दी। चल मिंटू, अब घर चलते हैं। भैया ये हेलीकॉप्टर को भी तोड़ दो, नहीं तो फिर कोई आके उड़ाने लगेगा। रुको अभी तोड़ता हूँ। चुड़ैल आंटी फिर से जग गई। अब जल्दी यहाँ से भागना चाहिए मिंटू। चल मेरी गाय, जल्दी घर चल, मैं तुम्हें 5 बंडल घास खिलाऊंगा। इतनी मेहनत से ठेला को मारता हूँ धक्का, खा लो 10 रुपया का गोलगप्पा। अरे पापा, सुबह से तो चिल्ला रहे हो, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, हम दोनों को एक एक गोलगप्पा खिलाओ, तब सब कोई हमें देखकर पक्का गोलगप्पा खाने आएगा। चुप कर नालायक, शांति से बगल में खड़े रहो और मेरी गोलगप्पे की तारीफ करो, फिर देखो कैसे 5 मिनट में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मिंटू, गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट थे ना, मजा आ गया खाने में। हाँ हाँ भैया, मजा आ गया खाने में, थोड़ा सा तीता लग रहा है। अरे चिंटू, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा, ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। भैया, रोने की आवाज उधर से आ रही है, चलो देखकर आते हैं। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो? ये तो चुप हो ही नहीं रहा है। चल मिंटू, इसको पापा के पास लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे अरे, ये बच्चा तो चुप हो ही नहीं रहा है, रुको मैं इसे 2-3 गोलगप्पे खिलाता हूँ, तब शायद चुप हो जाएगा। नहीं पापा, आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पा नहीं खिलाया, तो ये भी एक भी गोलगप्पा नहीं खाएगा। रुको मिंटू, मैं इसे स्कूटी पर घुमाता हूँ, तब शायद चुप हो जाए। चलो इसको स्कूटी पर बैठाओ। अरे मिंटू, इसे 1-2 गोलगप्पे खिलाने दो, उसके बाद चुप हो जाएगा। नहीं पापा, एक बार मैं चुप करा कर देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बाबू? चुप रहो, बिल्कुल चुप। मुझे लगा मेरे भूखे प्यासे बच्चे को कुछ खिलाएंगे, ये लोग तो मार रहे हैं, अभी बताती हूँ। चिंटू मिंटू, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम लोग मेरे बच्चे को कुछ खिला नहीं सकते, तो मार क्यों रहे हो? मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को खिला दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, एक काम करो, ये सारे गोलगप्पे ले जाओ, आराम से अपने बच्चे को खिलाते रहना। तो ठीक है, गोलगप्पे का ठेला यहीं छोड़ दो और चुपचाप तुम सब घर जाओ। अरे पापा, आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पे नहीं खिलाया, और ये चुड़ैल आंटी को सारे गोलगप्पे फ्री में दे रहे हो। चिंटू मिंटू, तुम दोनों ही सारे गोलगप्पे खा लेना, लेकिन ये चुड़ैल को यहाँ से जल्दी भगाओ। मैं तुम सबका टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
बंदर मामा रहते तो वो भी मजा से खाते। मिंटू भाई मैं आ गया, गोलगप्पा खाना है क्या? ये तो मेरा फेवरेट है। पापा अब आप घर जाओ, हम लोग गोलगप्पा खा पी कर बेचूच कर ठेला घर ले आएंगे। अरे चिंटू भाई हम लोग उड़ने कैसे लगे? चिंटू बंदर भाई तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो पिंकी, पता नहीं क्या है मुझे उस पेड़ के नीचे मिला। ये तो चमक रहा है, लगता है कोई जादुई डंड है। नहीं ये कोई जादुई डंड नहीं है, सिंपल सा लकड़ी होगा। वो सब छोड़ो चिंटू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ हाँ चिंटू भाई मुझे भी पार्टी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने केक भी नहीं काटा। मुझे केक चाहिए। अरे चिंटू भाई इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? शायद ये जादुई डंड के वजह से आया होगा। जादुई डंड? अरे वाह, अब बोलो पिंकी तुम्हें क्या खाना है? मुझे बहुत सारी रसगुल्ले खानी है। हाँ हाँ चिंटू भाई मुझे भी ढेर सारे रसगुल्ले खाने हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। हे जादुई डंड 3 ठो मिठाई का डब्बा ला दो। अरे वाह मिठाई का डब्बा आ गया, चलो चिंटू बंदर भाई केक रसगुल्ला खाते हैं। हाँ हाँ चलो टूट पड़ो। मजा आ गया चिंटू भाई केक रसगुल्ला खाके। मिल गए बच्चे, इन्हें ले जाता हूँ अपने ग्रह पर काम करवाऊंगा। अरे चिंटू भाई हम लोग उड़ने कैसे लगे? उड़ नहीं रहे हैं बंदर भाई, ऊपर देखो हमें एलियन अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। चिंटू जल्दी कुछ करो। अभी इस एलियन को मजा चखाता हूँ। हे जादुई डंड एक बड़ा सा सोफा ला दो। अब इस एलियन और यूएफओ को डॉग बना दो। अरे वाह चिंटू भाई तुमने तो कमाल कर दिया। इसे ठीक कर दो चिंटू, शायद अब ये एलियन हमें परेशान नहीं करेगा। तुम कहती हो तो इसे ठीक कर देता हूँ। हे जादुई डंड इस एलियन और यूएफओ को पहले जैसा बना दो। भागो भागो नहीं तो ये हमें कुत्ता बना के छोड़ देंगे। अरे मिंटू पापा सोए हैं, चल बैठ जल्दी ऑटो से घूम के आते हैं। भैया तुम्हें ऑटो चलाने आती है क्या? मैं ट्रेन एरोप्लेन बस सब चला लेता हूँ, ये ऑटो तो बहुत छोटी चीज है, चल बैठ जल्दी। आगे देखो भैया पेड़ है, जल्दी ब्रेक मारो। अरे ब्रेक तो लगी नहीं रहा मिंटू, क्या करूँ? कमर तोड़ दिया रे, किसने मुझे धक्का मारा, मैं उसे खा जाऊंगी। आंटी आप कौन हो? गलती से पेड़ में धक्का लग गई। मैं हूँ चुड़ैल। चुड़ैल आंटी तुम हमारे शहर में क्या करने आई हो? मैं इधर अपना पेट भरने आई हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। तुम मुझे और मेरे भैया को खाएगी, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे, गला कैसे काटोगे ये देखो। रुको मैं तुम्हारे अंदर ही आ जाती हूँ। अब काटो गला काटो। चुड़ैल तो मिंटू के अंदर घुस गई, अब क्या करूँ? ये चिंटू मिंटू दोनों मेरी ऑटो लेकर कहाँ चले गए? वो रहा मेरी ऑटो, आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंटू तुमने मेरी ऑटो क्यों चलाई? और ये मिंटू नाच क्यों रहा है? पापा मिंटू नाच नहीं रहा है, इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है, पागल हो गया है क्या? चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नहीं होती। और तू क्या नाच रहा है, चल घर चल। तुमने मुझे लात से मारा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी।
लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना जादुई दंड मुझे देना पड़ेगा थोड़ा खेलने के लिए। हाँ हाँ दे दूंगी जादुई दंड, पहले पहचान के तो दिखाओ इसमें से असली कौन है। मिंटू बताओ तू सुबह उठने के बाद क्या करता है? भैया पॉटी करने जाता हूँ। अरे ये दोनों तो एक ही जवाब दे रहा है। अच्छा आप बताओ मुझे क्या चलाना आता है, बस ट्रेन एरोप्लेन या साइकिल? साइकिल। भैया तुम्हें बस ट्रेन एरोप्लेन साइकिल सब चलाने आता है, ये सब छोटी मोटी चीज है। ये असली मिंटू है, मैंने पहचान लिया ना। अब मुझे एक बार अपना जादुई दंड दो थोड़ा खेलने के लिए, उसके बाद हम लोग को खा जाना। ठीक है ये लो थोड़ा सा खेल के जल्दी देना। हे जादुई दंड इस चुड़ैल को मुर्गी बना दो। अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल तू अब नहीं बचेगी, कोई आएगा तुम्हें पकड़ेगा और मुर्गी का लेग पीस बना के खा जाएगा। हम लोग तो ऑटो से चले घर। क्या मुझे ठीक तो करके जाओ। मिंटू भाई ये लो। बंदर मामा अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, थक गया हूँ बहुत जोर से, भूख लगी है। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है मिंटू, चल घर से खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो खा पी कर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा मैं घर नहीं जा सकता, घर गया तो पापा दो तीन थाप मार के पहनने बैठा देंगे। घर तो जाना ही पड़ेगा मिंटू, नहीं तो हम लोग की भूख कैसे मिटेगी। एक आइडिया है, घर नहीं जाना पड़ेगा, चलो मैं तुम दोनों को बगीचे से मीठे मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। ये हुई ना बात, जल्दी चलो मीठे मीठे आम खाकर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा ये बगीचे में तो इतने सारे फल खुद से टूट के गिरे हुए हैं। ये कैसे हुआ भाइयों, इतने सारे आम केला खुद से टूट के गिरे हुए हैं? ये आम खुद से टूट के नहीं गिरा है बंदर मामा, वो देखो तोता सब आम तोड़ के गिरा रही है। ऐसे तो ये तोता पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगी। हाँ तो देख क्या रहा मिंटू, वो पत्थर उठा और जोर से मार के भगा दो। आप कितना जोर से मारा, सर फोड़ दिया। बच्चों तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। चुड़ैल ये तो तोता नहीं है भैया, ये तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल आंटी तुम आम खा नहीं रही हो तो ये सब तोड़ के बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं आम नहीं खाती हूँ, ये सब बर्बाद कर रही हूँ ताकि इस बगीचे का मालिक आए और मैं उसका खून पी जाऊँ। बंदर मामा भैया अब क्या होगा, मालिक तो आया नहीं, अब मैं तुम लोग का खून पीऊंगी। चुड़ैल आंटी खून तो कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ, दम है तो जो मैं कर सकता हूँ वो करके दिखाओ। ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो मैं नहीं कर सकती? ये देखो मिर्ची खा रहा हूँ, मिर्ची खा सकती हो? बोलो भैया मिर्ची मैं भी खा सकता हूँ, ये देखो। बच्चा लोग खा गया, चुड़ैल आंटी डर रही है मिर्ची खाने से। मैं डरती नहीं हूँ, सबको डराती हूँ, मिर्ची फेंको अभी खा के दिखाती हूँ। तो ठीक है ये लो अच्छा से चबा के खाना। अरे पीता लग गया, पीता पीता पीता। चुड़ैल आंटी क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी कोई मीठा फल खिलाओ। ठीक है आ करो मैं ये केला खिलाता हूँ। अरे फिर से मिर्ची खिला दिया, बहुत जोर से पीता लग रहा है पीता। रुको चुड़ैल आंटी मैं तुम्हें ये मीठा मीठा आम खिलाता हूँ। तू भी मिर्ची खिला दिया, मर गया रे, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। खून पीने से पीता नहीं मिटेगा चुड़ैल आंटी, जल्दी पानी पियो पानी। कहाँ है पानी? अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कुआं है, उसमें डूब के पी लो। भाइयों एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने भी तो मिर्ची खाई थी, तुम दोनों को पीता क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग मिर्ची को बिना काटे डायरेक्ट पेट में निगल गए। हाँ लेकिन भैया कल सुबह पॉटी करते समय तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मिंटू जो होगा सुबह देखा जाएगा, अभी यहाँ से जल्दी भागो नहीं तो चुड़ैल कुआं में से फिर से आ जाएगी हम लोग का खून पीने। अरे वाह ये झाड़ू में बैठकर उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ हाँ
चलो मिंटू, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी जादुई डंड किसने चुरा ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे चिल, जा, जिसने मेरी जादुई डंड ली है उसे सबक सिखा के आ। अरे मिंटू, ये चिल तो हमारे पीछे ही आ रही है। हाँ हाँ भैया, जल्दी भगाओ नहीं तो ये चिल मेरा टकला फोड़ देगी। अरे अरे, मेरा टकला फोड़ दी रे, बचाओ बचाओ। चिंटू मिंटू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, आप तो घर में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको रुको, अभी बताता हूँ। अरे पापा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं, उसने पूछा था। मैं तुम्हारा पापा नहीं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। भैया, तुम्हारे सामने ये चुड़ैल मुझे जोर से थापड़ मार दी। अभी तो सिर्फ थापड़ ही मारी हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। अब क्या होगा भैया, मुझे अभी नहीं मरना था, ये जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ रसगुल्ला आइसक्रीम खाने को मिलती है। वो देख मिंटू, हाथी। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पे आए हैं, अब हमें हाथी चाचा बचा लेंगे। पागल मिंटू, हाथी चाचा नहीं, हाथी राजा बोल, हाथी राजा। अच्छा ठीक है, हाथी राजा जल्दी पास आ जा, ये चुड़ैल का बजा दे बैंड बाजा। ये हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता बच्चों, अभी मैं इसकी क्या हाल करती हूँ देखो। हे मेरी जादुई डंड, इस हाथी को। ओ माँ, जोर से मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम ले लो, 5, 10, 15, 20, 25 का, कुल्फी, मलाई, बर्फ सब है। हाथी राजा, मुझे आइसक्रीम खानी है। बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। भैया, घर से बहुत दूर आ गए, अब हमें गाय को लेकर घर जाना चाहिए। तू डर मत मिंटू, आज मैं इस गाय को बहुत सारा घास खिलाऊंगा, तब शाम को बहुत सारा दूध देगी, फिर दोनों मजा से दूध रोटी खाया जाएगा। अरे भैया, जिंदा रहेगा तब ना खाएगा दूध रोटी, आगे तो देखो। आगे क्या है आगे? अरे वाह, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं भैया, हड्डी वाला बोट टंगा हुआ है। तू हड्डी से ज्यादा डर मत मिंटू, तेरे अंदर भी तो हड्डी है, गाय को चरने दे, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरा होगा भैया, देखो नीचे हड्डी गिरा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चल आजा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की, अब तुम बचोगे नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आता, आगे से हटो चुड़ैल आंटी। नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। मेरी हेलीकॉप्टर लेके मुझे ही मार रहे हो, अभी बताती हूँ। चुड़ैल आंटी, तुमने हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा दी, मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। क्या जिंदा खा जाओगी? मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं डांसर बनना चाहता था, मरने से पहले मुझे एक बार नाचना है। ठीक है ठीक है, जल्दी नाचो, फिर मैं तुम दोनों को मजा से खाऊंगी। नाचो भैया, हम लोग मरने वाले हैं, नाचो। अरे ये नाचना बंद कर मिंटू। अब तुम दोनों रेडी हो ना मरने के लिए? चुड़ैल आंटी, मेरी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब तुम्हारी इच्छा क्या है? इतने सारे तरबूज रखी हो, उसमें से मुझे बस एक तरबूज खाने दो। ठीक है जाओ जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे छोड़ो चुड़ैल आंटी, लो तुम भी तरबूज खाओ। और एक लो।
वाह भैया मजा आ गया, तुमने तो चुड़ैल आंटी की बैंड बजा दी। चल मिंटू अब घर चलते हैं। भैया ये हेलीकॉप्टर को भी तोड़ दो, नहीं तो फिर कोई आके उड़ाने लगेगा। रुको अभी तोड़ता हूँ। चुड़ैल आंटी फिर से जग गई। अब जल्दी यहाँ से भागना चाहिए मिंटू। चल मेरी गाय जल्दी घर चल, मैं तुम्हें 5 बंडल घास खिलाऊंगा। इतनी मेहनत से ठेला को मारता हूँ धक्का, खा लो 10 रुपए का गोलगप्पा। अरे पापा सुबह से तो चिल्ला रहे हो लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, हम दोनों को एक एक गोलगप्पा खिलाओ, तब सब कोई हमें देखकर पक्का गोलगप्पा खाने आएगा। चुप कर नालायक, शांति से बगल में खड़े रहो और मेरी गोलगप्पे की तारीफ करो, फिर देखो कैसे 5 मिनट में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मिंटू गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट थे ना, मजा आ गया खाने में। हाँ हाँ भैया मजा आ गया खाने में, थोड़ा सा तीता लग रहा है। अरे चिंटू ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। भैया रोने की आवाज उधर से आ रही है, चलो देख कर आते हैं। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो? ये तो चुप हो ही नहीं रहा है। चल मिंटू इसको पापा के पास लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे अरे ये बच्चा तो चुप हो ही नहीं रहा है, रुको मैं इसे 2-3 गोलगप्पे खिलाता हूँ तब शायद चुप हो जाएगा। नहीं पापा आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पा नहीं खिलाया, तो ये भी एक भी गोलगप्पा नहीं खाएगा। रुको मिंटू मैं इसे स्कूटी पर घुमाता हूँ तब शायद चुप हो जाए। चलो इसको स्कूटी पर बैठाओ। अरे मिंटू इसे 1-2 गोलगप्पे खिलाने दो, उसके बाद चुप हो जाएगा। नहीं पापा एक बार मैं चुप कराकर देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बाबू? चुप रहो, बिल्कुल चुप। मुझे लगा मेरे भूखे प्यासे बच्चे को कुछ खिलाएंगे, ये लोग तो मार रहे हैं, अभी बताती हूँ। चिंटू मिंटू ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम लोग मेरे बच्चे को कुछ खिला नहीं सकते तो मार क्यों रहे हो? मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को खिला दूंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना, एक काम करो ये सारे गोलगप्पे ले जाओ, आराम से अपने बच्चे को खिलाते रहना। तो ठीक है गोलगप्पे का ठेला यहीं छोड़ दो और चुपचाप तुम सब घर जाओ। Oh, no. अरे पापा आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पे नहीं खिलाया और ये चुड़ैल आंटी को सारे गोलगप्पे फ्री में दे रहे हो। चिंटू मिंटू तुम दोनों ही सारे गोलगप्पे खा लेना, लेकिन ये चुड़ैल को यहाँ से जल्दी भगाओ। मैं तुम सबका टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल आंटी ये मेरा शेरू भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत गुस्से में है। तो मैं क्या करूँ? अपने बच्चे को यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो एक बार शेरू को बोल दूंगा तो इसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। क्या शेरू, काट काट ले इसे। नहीं मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब हमें गोलगप्पा खाने मिलेगा, बंदर मामा रहते तो वो भी मजा से खाते। मिंटू भाई मैं आ गया, गोलगप्पा खाना है क्या? ये तो मेरा फेवरेट है। पापा अब आप घर जाओ, हम लोग गोलगप्पा खा पी कर बेचूच कर ठेला घर ले आएंगे। अरे चिंटू भाई हम लोग उड़ने कैसे लगे? चिंटू बंदर भाई तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो पिंकी, पता नहीं क्या है मुझे उस पेड़ के नीचे मिला। ये तो चमक रहा है, लगता है कोई जादुई डंड है। नहीं ये कोई जादुई डंड नहीं है, सिंपल सा लकड़ी होगा। वो सब छोड़ो चिंटू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ हाँ चिंटू भाई मुझे भी पार्टी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने केक भी नहीं काटा, मुझे केक चाहिए। अरे चिंटू भाई इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? शायद ये जादुई डंड के वजह से आया होगा। जादुई डंड? अरे वाह, अब बोलो पिंकी तुम्हें क्या खाना है?
मुझे बहुत सारी रसगुल्ले खानी है। हाँ हाँ चिंटू भाई, मुझे भी ढेर सारे रसगुल्ले खाने हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। हे जादुई डंड, 3 ठो मिठाई का डब्बा ला दो। अरे वाह, मिठाई का डब्बा आ गया। चलो चिंटू बंदर भाई, केक रसगुल्ला खाते हैं। हाँ हाँ चलो, टूट पड़ो। मजा आ गया चिंटू भाई केक रसगुल्ला खाके। मिल गए बच्चे, इन्हें ले जाता हूँ अपने ग्रह पर काम करवाऊंगा। अरे चिंटू भाई, हम लोग उड़ने कैसे लगे? उड़ नहीं रहे हैं बंदर भाई, ऊपर देखो हमें एलियन अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। चिंटू जल्दी कुछ करो। अभी इस एलियन को मजा चखाता हूँ। हे जादुई डंड, एक बड़ा सा सोफा ला दो। अब इस एलियन और यूएफओ को डॉग बना दो। अरे वाह चिंटू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे ठीक कर दो चिंटू, शायद अब ये एलियन हमें परेशान नहीं करेगा। तुम कहती हो तो इसे ठीक कर देता हूँ। हे जादुई डंड, इस एलियन और यूएफओ को पहले जैसा बना दो। भागो भागो, नहीं तो ये हमें कुत्ता बना के छोड़ देंगे। अरे मिंटू, पापा सोए हैं, चल बैठ जल्दी, ऑटो से घूम के आते हैं। भैया तुम्हें ऑटो चलाने आती है क्या? मैं ट्रेन, एरोप्लेन, बस सब चला लेता हूँ। ये ऑटो तो बहुत छोटी चीज है, चल बैठ जल्दी। आगे देखो भैया, पेड़ है, जल्दी ब्रेक मारो। अरे ब्रेक तो लगी नहीं रहा मिंटू, क्या करूँ? कमर तोड़ दिया रे, किसने मुझे धक्का मारा? मैं उसे खा जाऊंगी। आंटी आप कौन हो? गलती से पेड़ में धक्का लग गई। मैं हूँ चुड़ैल। चुड़ैल आंटी, तुम हमारे शहर में क्या करने आई हो? मैं इधर अपना पेट भरने आई हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। तुम मुझे और मेरे भैया को खाएगी, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे, गला कैसे काटोगे? ये देखो। रुको, मैं तुम्हारे अंदर ही आ जाती हूँ। अब काटो, गला काटो। चुड़ैल तो मिंटू के अंदर घुस गई, अब क्या करूँ? ये चिंटू मिंटू दोनों मेरी ऑटो लेकर कहाँ चले गए? वो रहा मेरी ऑटो, आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंटू, तुमने मेरी ऑटो क्यों चलाई? और ये मिंटू नाच क्यों रहा है? पापा, मिंटू नाच नहीं रहा है, इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है, पागल हो गया है क्या? चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नहीं होती। और तू क्या नाच रहा है? चल घर चल। तुमने मुझे लात से मारा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे अरे चिंटू, ये तो सच में चुड़ैल है। मैंने बोला था ना पापा, बेकार में चुड़ैल को भड़का दिया आपने। क्या बोलते हो, चुड़ैल नहीं होती। ये देखो मेरी ऑटो को कुछ मत करो। और शक्ति देखोगे, ये देखो। पापा मिंटू तो 2 ठो हो गया, अब हम असली मिंटू को कैसे पहचानेंगे? अब और जादू मत दिखाना चुड़ैल, तुम बहुत शक्तिशाली हो। चिंटू जल्दी कुछ कर। चुड़ैल आंटी, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या बोला? हाँ मैं असली मिंटू को पहचान सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना जादुई डंड मुझे देना पड़ेगा थोड़ा खेलने के लिए। हाँ हाँ दे दूंगी जादुई डंड, पहले पहचान के तो दिखाओ इसमें से असली कौन है। मिंटू बताओ, तू सुबह उठने के बाद क्या करता है? भैया पॉटी करने जाता हूँ। अरे ये दोनों तो एक ही जवाब दे रहा है। अच्छा आप बताओ, मुझे क्या चलाना आता है? बस, ट्रेन, एरोप्लेन या साइकिल? साइकिल। भैया तुम्हें बस, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल सब चलाने आता है, ये सब छोटी मोटी चीज है। ये असली मिंटू है, मैंने पहचान लिया ना। अब मुझे एक बार अपना जादुई डंड दो थोड़ा खेलने के लिए, उसके बाद हम लोगों को खा जाना। ठीक है, ये लो थोड़ा सा खेल के जल्दी देना। हे जादुई डंड, इस चुड़ैल को मुर्गी बना दो। अरे ये क्या कर दिया तुमने,
तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल तू अब नहीं बचेगी, कोई आएगा तुम्हें पकड़ेगा और मुर्गी का लेग पीस बना के खा जाएगा। हम लोग तो ऑटो से चले घर। क्या, मुझे ठीक तो करके जाओ। मिंटू भाई ये लो। बंदर मामा अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, थक गया हूँ बहुत जोर से, भूख लगी है। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है मिंटू, चल घर से खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, खा पी कर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा मैं घर नहीं जा सकता, घर गया तो पापा दो तीन थाप मार के पहनने बैठा देंगे। घर तो जाना ही पड़ेगा मिंटू, नहीं तो हम लोग की भूख कैसे मिटेगी। एक आइडिया है, घर नहीं जाना पड़ेगा, चलो मैं तुम दोनों को बगीचे से मीठे मीठे आम तोड़कर खिलाता हूँ। ये हुई ना बात, जल्दी चलो मीठे मीठे आम खाकर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा ये बगीचे में तो इतने सारे फल खुद से टूट के गिरे हुए हैं। ये कैसे हुआ भाइयों, इतने सारे आम केला खुद से टूट के गिरे हुए हैं। ये आम खुद से टूट के नहीं गिरा है बंदर मामा, वो देखो तोता सब आम तोड़ के गिरा रही है। ऐसे तो ये तोता पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगी। हाँ तो देख क्या रहा मिंटू, वो पत्थर उठा और जोर से मार के भगा दो। कितना जोर से मारा, सर फोड़ दिया। बच्चों तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। चुड़ैल ये तो तोता नहीं है भैया, ये तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल आंटी, तुम आम खा नहीं रही हो तो ये सब तोड़ के बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं आम नहीं खाती हूँ, ये सब बर्बाद कर रही हूँ ताकि इस बगीचे का मालिक आए और मैं उसका खून पी जाऊँ। बंदर मामा भैया अब क्या होगा? मालिक तो आया नहीं, अब मैं तुम लोग का खून पीऊंगी। चुड़ैल आंटी खून तो कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ। दम है तो जो मैं कर सकता हूँ वो करके दिखाओ। ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो मैं नहीं कर सकती? ये देखो मिर्ची खा रहा हूँ, मिर्ची खा सकती हो? बोलो भैया, मिर्ची मैं भी खा सकता हूँ, ये देखो। बच्चा लोग खा गया, चुड़ैल आंटी डर रही है मिर्ची खाने से। मैं डरती नहीं हूँ, सबको डराती हूँ। मिर्ची फेंको, अभी खा के दिखाती हूँ। तो ठीक है ये लो, अच्छा से चबा के खाना। अरे तीता लग गया, तीता तीता तीता। चुड़ैल आंटी क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी कोई मीठा फल खिलाओ। ठीक है आ करो, मैं ये केला खिलाता हूँ। अरे फिर से मिर्ची खिला दिया, बहुत जोर से तीता लग रहा है तीता। रुको चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हें ये मीठा मीठा आम खिलाता हूँ। तू भी मिर्ची खिला दिया, मर गया रे, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। खून पीने से तीता नहीं मिटेगा चुड़ैल आंटी, जल्दी पानी पियो पानी। कहाँ है पानी? अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कुआं है, उसमें डूब के पी लो। भाइयों एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने भी तो मिर्ची खाई थी, तुम दोनों को तीता क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग मिर्ची को बिना काटे डायरेक्ट पेट में निगल गए। हाँ लेकिन भैया कल सुबह पॉटी करते समय तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मिंटू जो होगा सुबह देखा जाएगा, अभी यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो चुड़ैल कुआं में से फिर से आ जाएगी हम लोग का खून पीने। अरे वाह, ये झाड़ू में बैठकर उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ हाँ मिंटू, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी जादुई डंड किसने चुरा ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे चील जा, जिसने मेरी जादुई डंड ली है उसे सबक सिखा के आ। अरे मिंटू ये चील तो हमारे पीछे ही आ रही है। हाँ हाँ भैया जल्दी भगाओ, नहीं तो ये चील मेरा टकला फोड़ देगी। अरे अरे मेरा टकला फोड़ दी रे, बचाओ बचाओ। चिंटू मिंटू तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप तो घर में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको रुको अभी बताता हूँ। अरे पापा मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं उसने पूछा था।
मैं तुम्हारा पापा नहीं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। भैया तुम्हारे सामने ये चुड़ैल मुझे जोर से थापड़ मार दी। अभी तो सिर्फ थापड़ ही मारी हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। अब क्या होगा भैया, मुझे अभी नहीं मरना था, ये जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ रसगुल्ला आइसक्रीम खाने को मिलती है। वो देख मिंटू, हाथी। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पे आए हैं, अब हमें हाथी चाचा बचा लेंगे। पागल मिंटू, हाथी चाचा नहीं, हाथी राजा बोल, हाथी राजा। अच्छा ठीक है, हाथी राजा जल्दी पास आ जा, ये चुड़ैल का बजा दे बैंड बाजा। ये हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता बच्चों, अभी मैं इसकी क्या हाल करती हूँ देखो। हे मेरी जादुई डंड, इस हाथी को। ओ माँ, जोर से मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम ले लो, 5, 10, 15, 20, 25 का, कुल्फी, मलाई, बर्फ सब है। हाथी राजा, मुझे आइसक्रीम खानी है। बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। भैया घर से बहुत दूर आ गए, अब हमें गाय को लेकर घर जाना चाहिए। तू डर मत मिंटू, आज मैं इस गाय को बहुत सारा घास खिलाऊंगा, तब शाम को बहुत सारा दूध देगी, फिर दोनों मजा से दूध रोटी खाया जाएगा। अरे भैया जिंदा रहेगा तब ना खाएगा दूध रोटी, आगे तो देखो। आगे क्या है आगे? अरे वाह, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं भैया, हड्डी वाला बोट टंगा हुआ है। तू हड्डी से ज्यादा डर मत मिंटू, तेरे अंदर भी तो हड्डी है, गाय को चरने दे, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरा होगा भैया, देखो नीचे हड्डी गिरा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चल आजा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की, अब तुम बचोगे नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आता, आगे से हटो चुड़ैल आंटी। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं। मेरी हेलीकॉप्टर लेके मुझे ही मार रहे हो, अभी बताती हूँ। चुड़ैल आंटी, तुमने हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा दी, मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। क्या जिंदा खा जाओगी, मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं डांसर बनना चाहता था, मरने से पहले मुझे एक बार नाचना है। ठीक है ठीक है, जल्दी नाचो, फिर मैं तुम दोनों को मजा से खाऊंगी। नाचो भैया, हम लोग मरने वाले हैं, नाचो। अरे ये नाचना बंद कर मिंटू। अब तुम दोनों रेडी हो ना मरने के लिए? चुड़ैल आंटी, मेरी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब तुम्हारी इच्छा क्या है? इतने सारे तरबूज रखी हो, उसमें से मुझे बस एक तरबूज खाने दो। ठीक है जाओ जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे छोड़ो चुड़ैल आंटी, लो तुम भी तरबूज खाओ, और एक लो। वाह भैया मजा आ गया, तुमने तो चुड़ैल आंटी की बैंड बजा दी। चल मिंटू अब घर चलते हैं। भैया ये हेलीकॉप्टर को भी तोड़ दो, नहीं तो फिर कोई आके उड़ाने लगेगा। रुको अभी तोड़ता हूँ। चुड़ैल आंटी फिर से जग गई। अब जल्दी यहाँ से भागना चाहिए मिंटू। चल मेरी गाय जल्दी घर चल, मैं तुम्हें 5 बंडल घास खिलाऊंगा।
इतनी मेहनत से ठेला को मारता हूँ धक्का, खा लो 10 रुपए का गोलगप्पा। अरे पापा, सुबह से तो चिल्ला रहे हो लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, हम दोनों को एक एक गोलगप्पा खिलाओ, तब सबको हमें देखकर पक्का गोलगप्पा खाने आएगा। चुप कर नालायक, शांति से बगल में खड़े रहो और मेरी गोलगप्पे की तारीफ करो, फिर देखो कैसे 5 मिनट में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मिंटू, गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट थे ना, मजा आ गया खाने में। हाँ हाँ भैया, मजा आ गया खाने में, थोड़ा सा तीता लग रहा है। अरे चिंटू, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा, ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। भैया, रोने की आवाज उधर से आ रही है, चलो देख कर आते हैं। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो? ये तो चुप हो ही नहीं रहा है। चल मिंटू, इसको पापा के पास लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे अरे, ये बच्चा तो चुप हो ही नहीं रहा है, रुको मैं इसे 2-3 गोलगप्पे खिलाता हूँ, तब शायद चुप हो जाएगा। नहीं पापा, आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पा नहीं खिलाया, तो ये भी एक भी गोलगप्पा नहीं खाएगा। रुको मिंटू, मैं इसे स्कूटी पर घुमाता हूँ, तब शायद चुप हो जाए। चलो इसको स्कूटी पर बैठाओ। अरे मिंटू, इसे 1-2 गोलगप्पे खिलाने दो, उसके बाद चुप हो जाएगा। नहीं पापा, एक बार मैं चुप करा कर देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बाबू? चुप रहो, बिल्कुल चुप। मुझे लगा मेरे भूखे प्यासे बच्चे को कुछ खिलाएंगे, ये लोग तो मार रहे हैं, अभी बताती हूँ। चिंटू मिंटू, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम लोग मेरे बच्चे को कुछ खिला नहीं सकते तो मार क्यों रहे हो? मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को खिला दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना, एक काम करो, ये सारे गोलगप्पे ले जाओ, आराम से अपने बच्चे को खिलाते रहना। तो ठीक है, गोलगप्पे का ठेला यहीं छोड़ दो और चुपचाप तुम सब घर जाओ। अरे पापा, आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पे नहीं खिलाया और ये चुड़ैल आंटी को सारे गोलगप्पे फ्री में दे रहे हो। चिंटू मिंटू, तुम दोनों ही सारे गोलगप्पे खा लेना, लेकिन ये चुड़ैल को यहाँ से जल्दी भगाओ। मैं तुम सबका टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल आंटी, ये मेरा शेरू भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत गुस्से में है। तो मैं क्या करूँ? अपने बच्चे को यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो एक बार शेरू को बोल दूंगा तो इसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। क्या शेरू, काट काट ले इसे। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब हमें गोलगप्पा खाने मिलेगा, बंदर मामा रहते तो वो भी मजा से खाते। मिंटू भाई, मैं आ गया, गोलगप्पा खाना है क्या? ये तो मेरा फेवरेट है। पापा, अब आप घर जाओ, हम लोग गोलगप्पा खा पी कर बेचूच कर ठेला घर ले आएंगे। अरे चिंटू भाई, हम लोग उड़ने कैसे लगे? चिंटू, बंदर भाई, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो पिंकी, पता नहीं क्या है, मुझे उस पेड़ के नीचे मिला। ये तो चमक रहा है, लगता है कोई जादुई डंड है। नहीं, ये कोई जादुई डंड नहीं है, सिंपल सा लकड़ी होगा। वो सब छोड़ो चिंटू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ हाँ चिंटू भाई, मुझे भी पार्टी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने केक भी नहीं काटा, मुझे केक चाहिए। अरे चिंटू भाई, इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? शायद ये जादुई डंड के वजह से आया होगा। जादुई डंड? अरे वाह, अब बोलो पिंकी, तुम्हें क्या खाना है? मुझे बहुत सारी रसगुल्ले खानी है। हाँ हाँ चिंटू भाई, मुझे भी ढेर सारे रसगुल्ले खाने हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। हे जादुई डंड, 3 ठो मिठाई का डब्बा ला दो। अरे वाह, मिठाई का डब्बा आ गया, चलो चिंटू बंदर भाई केक रसगुल्ला खाते हैं। हाँ हाँ चलो, टूट पड़ो। मजा आ गया चिंटू भाई केक रसगुल्ला खाके।
मिल गए बच्चे, इन्हें ले जाता हूँ अपने ग्रह पर काम करवाऊंगा। अरे चिंटू भाई, हम लोग उड़ने कैसे लगे? उड़ नहीं रहे हैं बंदर भाई, ऊपर देखो हमें एलियन अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। चिंटू जल्दी कुछ करो। अभी इस एलियन को मजा चखाता हूँ। हे जादुई डंड, एक बड़ा सा सोफा ला दो। अब इस एलियन और यूएफओ को डॉग बना दो। अरे वाह चिंटू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे ठीक कर दो चिंटू, शायद अब ये एलियन हमें परेशान नहीं करेगा। तुम कहती हो तो इसे ठीक कर देता हूँ। हे जादुई डंड, इस एलियन और यूएफओ को पहले जैसा बना दो। भागो भागो, नहीं तो ये हमें कुत्ता बना के छोड़ देंगे। अरे मिंटू, पापा सोए हैं, चल बैठ जल्दी, ऑटो से घूम के आते हैं। भैया तुम्हें ऑटो चलाने आती है क्या? मैं ट्रेन, एरोप्लेन, बस सब चला लेता हूँ, ये ऑटो तो बहुत छोटी चीज है, चल बैठ जल्दी। आगे देखो भैया, पेड़ है, जल्दी ब्रेक मारो। अरे ब्रेक तो लगी नहीं रहा मिंटू, क्या करूँ? कमर तोड़ दिया रे, किसने मुझे धक्का मारा, मैं उसे खा जाऊंगी। आंटी आप कौन हो, गलती से पेड़ में धक्का लग गई। मैं हूँ चुड़ैल। चुड़ैल आंटी, तुम हमारे शहर में क्या करने आई हो? मैं इधर अपना पेट भरने आई हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। तुम मुझे और मेरे भैया को खाएगी, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे, गला कैसे काटोगे ये देखो। रुको मैं तुम्हारे अंदर ही आ जाती हूँ। अब काटो, गला काटो। चुड़ैल तो मिंटू के अंदर घुस गई, अब क्या करूँ? ये चिंटू मिंटू दोनों मेरी ऑटो लेकर कहाँ चले गए? वो रहा मेरी ऑटो, आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंटू, तुमने मेरी ऑटो क्यों चलाई? और ये मिंटू नाच क्यों रहा है? पापा मिंटू नाच नहीं रहा है, इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। पागल हो गया है क्या? चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नहीं होती। और तू क्या नाच रहा है, चल घर चल। तुमने मुझे लात से मारा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे अरे चिंटू, ये तो सच में चुड़ैल है। मैंने बोला था ना पापा, बेकार में चुड़ैल को भड़का दिया आपने। क्या बोलते हो, चुड़ैल नहीं होती, ये देखो। मेरी ऑटो को कुछ मत करो। और शक्ति देखोगे, ये देखो। पापा मिंटू तो 2 हो गया, अब हम असली मिंटू को कैसे पहचानेंगे? अब और जादू मत दिखाना चुड़ैल, तुम बहुत शक्तिशाली हो। चिंटू जल्दी कुछ कर। चुड़ैल आंटी, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या बोला? हाँ मैं असली मिंटू को पहचान सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना जादुई दंड मुझे देना पड़ेगा थोड़ा खेलने के लिए। हाँ हाँ दे दूंगी जादुई दंड, पहले पहचान के तो दिखाओ इसमें से असली कौन है। मिंटू बताओ, तू सुबह उठने के बाद क्या करता है? भैया पॉटी करने जाता हूँ। अरे ये दोनों तो एक ही जवाब दे रहा है। अच्छा आप बताओ, मुझे क्या चलाना आता है, बस ट्रेन, एरोप्लेन या साइकिल? साइकिल। भैया तुम्हें बस ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल सब चलाने आता है, ये सब छोटी मोटी चीज है। ये असली मिंटू है, मैंने पहचान लिया ना, अब मुझे एक बार अपना जादुई दंड दो थोड़ा खेलने के लिए, उसके बाद हम लोग को खा जाना। ठीक है ये लो, थोड़ा सा खेल के जल्दी देना। हे जादुई डंड, इस चुड़ैल को मुर्गी बना दो। अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल तू अब नहीं बचेगी, कोई आएगा तुम्हें पकड़ेगा और मुर्गी का लेग पीस बना के खा जाएगा। हम लोग तो ऑटो से चले घर। क्या, मुझे ठीक तो करके जाओ। मिंटू भाई ये लो। बंदर मामा, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, थक गया हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है मिंटू, चल घर से खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, खा पी कर फिर से खेलने आएंगे।
दोनों की भूख कैसे मिटेगी? एक आइडिया है, घर नहीं जाना पड़ेगा। चलो मैं तुम दोनों को बगीचे से मीठे मीठे आम तोड़कर खिलाता हूँ। ये हुई ना बात, जल्दी चलो मीठे मीठे आम खाकर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा, ये बगीचे में तो इतने सारे फल खुद से टूट के गिरे हुए हैं। ये कैसे हुआ भाइयों, इतने सारे आम केला खुद से टूट के गिरे हुए हैं? ये आम खुद से टूट के नहीं गिरा है बंदर मामा, वो देखो तोता सब आम तोड़ के गिरा रही है। ऐसे तो ये तोता पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगी। हाँ तो देख क्या रहा मिंटू, वो पत्थर उठा और जोर से मार के भगा दो। कितना जोर से मारा, सर फोड़ दिया। बच्चों तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। चुड़ैल, ये तो तोता नहीं है भैया, ये तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल आंटी, तुम आम खा नहीं रही हो तो ये सब तोड़ के बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं आम नहीं खाती हूँ, ये सब बर्बाद कर रही हूँ ताकि इस बगीचे का मालिक आए और मैं उसका खून पी जाऊँ। बंदर मामा, भैया अब क्या होगा? मालिक तो आया नहीं, अब मैं तुम लोग का खून पीऊंगी। चुड़ैल आंटी, खून तो कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ। दम है तो जो मैं कर सकता हूँ वो करके दिखाओ। ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो मैं नहीं कर सकती? ये देखो मिर्ची खा रहा हूँ, मिर्ची खा सकती हो? बोलो भैया, मिर्ची मैं भी खा सकता हूँ, ये देखो। बचालो, खा गया। चुड़ैल आंटी डर रही है मिर्ची खाने से। मैं डरती नहीं हूँ, सबको डराती हूँ। मिर्ची फेंको, अभी खा के दिखाती हूँ। तो ठीक है, ये लो, अच्छा से चबा के खाना। अरे तीता लग गया, तीता तीता तीता। चुड़ैल आंटी, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी कोई मीठा फल खिलाओ। ठीक है, आ करो, मैं ये केला खिलाता हूँ। अरे फिर से मिर्ची खिला दिया, बहुत जोर से तीता लग रहा है तीता। रुको चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हें ये मीठा मीठा आम खिलाता हूँ। तू भी मिर्ची खिला दिया, मर गया रे, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। खून पीने से तीता नहीं मिटेगा चुड़ैल आंटी, जल्दी पानी पियो। पानी कहाँ है पानी? अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कुआं है, उसमें डूब के पी लो। भाइयों एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने भी तो मिर्ची खाई थी, तुम दोनों को तीता क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग मिर्ची को बिना काटे डायरेक्ट पेट में निगल गए। हाँ लेकिन भैया कल सुबह पॉटी करते समय तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मिंटू जो होगा सुबह देखा जाएगा, अभी यहाँ से जल्दी भागो नहीं तो चुड़ैल कुआं में से फिर से आ जाएगी हम लोग का खून पीने। अरे वाह, ये झाड़ू में बैठकर उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ हाँ मिंटू, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी जादुई डंड किसने चुरा ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे चील, जा, जिसने मेरी जादुई डंड ली है उसे सबक सिखा के आ। अरे मिंटू, ये चील तो हमारे पीछे ही आ रही है। हाँ हाँ भैया, जल्दी भगाओ नहीं तो ये चील मेरा टकला फोड़ देगी। अरे अरे, मेरा टकला फोड़ दी रे, बचाओ बचाओ। चिंटू मिंटू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप तो घर में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको रुको, अभी बताता हूँ। अरे पापा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं, उसने पूछा था। मैं तुम्हारा पापा नहीं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। भैया तुम्हारे सामने ये चुड़ैल मुझे जोर से थापड़ मार दी। अभी तो सिर्फ थापड़ ही मारी हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। अब क्या होगा भैया, मुझे अभी नहीं मरना था, ये जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ रसगुल्ला आइसक्रीम खाने को मिलती है। वो देख मिंटू, हाथी। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पे आए हैं, अब हमें हाथी चाचा बचा लेंगे।
पागल मिंटू, हाथी चाचा नहीं, हाथी राजा बोल, हाथी राजा। अच्छा ठीक है हाथी राजा, जल्दी पास आ जा, ये चुड़ैल का बजा दे बैंड बाजा। ये हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता बच्चों, अभी मैं इसकी क्या हाल करती हूँ देखो। हे मेरी जादुई डंड, इस हाथी को ओ माँ जोर से मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। नहीं मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम ले लो 5, 10, 15, 20, 25 का, कुल्फी मलाई बर्फ सब है। हाथी राजा मुझे आइसक्रीम खानी है, बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। भैया घर से बहुत दूर आ गए, अब हमें गाय को लेकर घर जाना चाहिए। तू डर मत मिंटू, आज मैं इस गाय को बहुत सारा घास खिलाऊंगा, तब शाम को बहुत सारा दूध देगी, फिर दोनों मजा से दूध रोटी खाया जाएगा। अरे भैया जिंदा रहेगा तब ना खाएगा दूध रोटी, आगे तो देखो। आगे क्या है आगे? अरे वाह हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं भैया, हड्डी वाला बोट टंगा हुआ है। तू हड्डी से ज्यादा डर मत मिंटू, तेरे अंदर भी तो हड्डी है, गाय को चरने दे, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरा होगा भैया, देखो नीचे हड्डी गिरा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चल आजा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की, अब तुम बचोगे नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आता, आगे से हटो चुड़ैल आंटी। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं। मेरी हेलीकॉप्टर लेके मुझे ही मार रहे हो, अभी बताती हूँ। चुड़ैल आंटी तुमने हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा दी, मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। क्या जिंदा खा जाओगी, मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं डांसर बनना चाहता था, मरने से पहले मुझे एक बार नाचना है। ठीक है जल्दी नाचो, फिर मैं तुम दोनों को मजा से खाऊंगी। नाचो भैया हम लोग मरने वाले हैं, नाचो। अरे ये नाचना बंद कर मिंटू। अब तुम दोनों रेडी हो ना मरने के लिए? चुड़ैल आंटी मेरी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब तुम्हारी इच्छा क्या है? इतने सारे तरबूज रखी हो, उसमें से मुझे बस एक तरबूज खाने दो। ठीक है जाओ जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे छोड़ो चुड़ैल आंटी, लो तुम भी तरबूज खाओ और एक लो। वाह भैया मजा आ गया, तुमने तो चुड़ैल आंटी की बैंड बजा दी। चल मिंटू अब घर चलते हैं। भैया ये हेलीकॉप्टर को भी तोड़ दो, नहीं तो फिर कोई आके उड़ाने लगेगा। रुको अभी तोड़ता हूँ। चुड़ैल आंटी फिर से जग गई। अब जल्दी यहाँ से भागना चाहिए मिंटू। चल मेरी गाय जल्दी घर चल, मैं तुम्हें 5 बंडल घास खिलाऊंगा। इतनी मेहनत से ठेला को मारता हूँ धक्का, खा लो 10 रुपया का गोलगप्पा। अरे पापा सुबह से तो चिल्ला रहे हो, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, हम दोनों को एक एक गोलगप्पा खिलाओ, तब सब कोई हमें देखकर पक्का गोलगप्पा खाने आएगा। चुप कर नालायक, शांति से बगल में खड़े रहो और मेरी गोलगप्पे की तारीफ करो, फिर देखो कैसे 5 मिनट में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मिंटू गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट थे ना, मजा आ गया खाने में। हाँ हाँ भैया मजा आ गया खाने में, थोड़ा सा तीता लग रहा है। अरे चिंटू ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। भैया रोने की आवाज उधर से आ रही है, चलो देख कर आते हैं। क्या हुआ बाबू क्यों रो रहे हो? ये तो चुप हो ही नहीं रहा है। चल
पापा के पास लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे अरे ये बच्चा तो चुप हो ही नहीं रहा है, रुको मैं इसे दो तीन गोलगप्पे खिलाता हूँ तब शायद चुप हो जाएगा। नहीं पापा, आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पा नहीं खिलाया, तो ये भी एक भी गोलगप्पा नहीं खाएगा। रुको मिंटू, मैं इसे स्कूटी पर घुमाता हूँ तब शायद चुप हो जाए। चलो इसको स्कूटी पर बैठाओ। अरे मिंटू इसे एक दो गोलगप्पे खिलाने दो, उसके बाद चुप हो जाएगा। नहीं पापा, एक बार मैं चुप करा कर देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बाबू? चुप रहो, बिल्कुल चुप। मुझे लगा मेरे भूखे प्यासे बच्चे को कुछ खिलाएंगे, ये लोग तो मार रहे हैं, अभी बताती हूँ। चिंटू मिंटू ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम लोग मेरे बच्चे को कुछ खिला नहीं सकते तो मार क्यों रहे हो? मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को खिला दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। एक काम करो, ये सारे गोलगप्पे ले जाओ, आराम से अपने बच्चे को खिलाते रहना। तो ठीक है, गोलगप्पे का ठेला यहीं छोड़ दो और चुपचाप तुम सब घर जाओ। अरे पापा, आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पे नहीं खिलाया और ये चुड़ैल आंटी को सारे गोलगप्पे फ्री में दे रहे हो। चिंटू मिंटू तुम दोनों ही सारे गोलगप्पे खा लेना, लेकिन ये चुड़ैल को यहाँ से जल्दी भगाओ। मैं तुम सबका टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल आंटी, ये मेरा फेरू भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत गुस्से में है। तो मैं क्या करूँ? अपने बच्चे को यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो एक बार फेरू को बोल दूंगा तो इसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। क्या फेरू, काट काट ले इसे। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब हमें गोलगप्पा खाने मिलेगा, बंदर मामा रहते तो वो भी मजा से खाते। मिंटू भाई, मैं आ गया, गोलगप्पा खाना है क्या? ये तो मेरा फेवरेट है। पापा अब आप घर जाओ, हम लोग गोलगप्पा खा पी कर बेचूच कर ठेला घर ले आएंगे। अरे चिंटू भाई, हम लोग उड़ने कैसे लगे? चिंटू बंदर भाई, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो पिंकी, पता नहीं क्या है, मुझे उस पेड़ के नीचे मिला। ये तो चमक रहा है, लगता है कोई जादुई दंड है। नहीं ये कोई जादुई दंड नहीं है, सिंपल सा लकड़ी होगा। वो सब छोड़ो चिंटू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ हाँ चिंटू भाई, मुझे भी पार्टी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने केक भी नहीं काटा। मुझे केक चाहिए। अरे चिंटू भाई, इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? शायद ये जादुई डंड के वजह से आया होगा। जादुई डंड? अरे वाह, अब बोलो पिंकी, तुम्हें क्या खाना है? मुझे बहुत सारी रसगुल्ले खानी है। हाँ हाँ चिंटू भाई, मुझे भी ढेर सारे रसगुल्ले खाने हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। हे जादुई डंड, 3 मिठाई का डब्बा ला दो। अरे वाह, मिठाई का डब्बा आ गया। चलो चिंटू बंदर भाई, केक रसगुल्ला खाते हैं। हाँ हाँ चलो, टूट पड़ो। मजा आ गया चिंटू भाई केक रसगुल्ला खाके। मिल गए बच्चे, इन्हें ले जाता हूँ अपने ग्रह पर काम करवाऊंगा। अरे चिंटू भाई, हम लोग उड़ने कैसे लगे? उड़ नहीं रहे हैं बंदर भाई, ऊपर देखो, हमें एलियन अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। चिंटू जल्दी कुछ करो। अभी इस एलियन को मजा चखाता हूँ। हे जादुई डंड, एक बड़ा सा सोफा ला दो। अब इस एलियन और यूएफओ को डॉग बना दो। अरे वाह चिंटू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे ठीक कर दो चिंटू, शायद अब ये एलियन हमें परेशान नहीं करेगा। तुम कहती हो तो इसे ठीक कर देता हूँ। हे जादुई डंड, इस एलियन और यूएफओ को पहले जैसा बना दो। भागो भागो, नहीं तो ये हमें कुत्ता बना के छोड़ देंगे। अरे मिंटू, पापा सोए हैं, चल बैठ जल्दी, ऑटो से घूम के आते हैं। भैया तुम्हें ऑटो चलाने आती है क्या?
तेज है, चल बैठ जल्दी। आगे देखो भैया, पेड़ है, जल्दी ब्रेक मारो। अरे ब्रेक तो लगी नहीं रहा मिंटू, क्या करूं? कमर तोड़ दिया रे, किसने मुझे धक्का मारा, मैं उसे खा जाऊंगी। आंटी आप कौन हो, गलती से पेड़ में धक्का लग गई। मैं हूँ चुड़ैल। चुड़ैल आंटी तुम हमारे शहर में क्या करने आई हो? मैं इधर अपना पेट भरने आई हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, दो दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। तुम मुझे और मेरे भैया को खाएगी, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे, गला कैसे काटोगे ये देखो। रुको मैं तुम्हारे अंदर ही आ जाती हूँ। अब काटो, गला काटो। चुड़ैल तो मिंटू के अंदर घुस गई, अब क्या करूँ? ये चिंटू मिंटू दोनों मेरी ऑटो लेकर कहाँ चले गए? वो रहा मेरी ऑटो, आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंटू तुमने मेरी ऑटो क्यों चलाई? और ये मिंटू नाच क्यों रहा है? पापा मिंटू नाच नहीं रहा है, इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है, पागल हो गया है क्या? चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नहीं होती। और तू क्या नाच रहा है, चल घर चल। तुमने मुझे लात से मारा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे अरे चिंटू ये तो सच में चुड़ैल है, मैंने बोला था ना पापा, बेकार में चुड़ैल को भड़का दिया आपने। क्या बोलते हो, चुड़ैल नहीं होती, ये देखो। मेरी ऑटो को कुछ मत करो। और शक्ति देखोगे, ये देखो। पापा मिंटू तो दो हो गया, अब हम असली मिंटू को कैसे पहचानेंगे? अब और जादू मत दिखाना चुड़ैल, तुम बहुत शक्तिशाली हो। चिंटू जल्दी कुछ कर। चुड़ैल आंटी मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या बोला? हाँ मैं असली मिंटू को पहचान सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना जादुई दंड मुझे देना पड़ेगा थोड़ा खेलने के लिए। हाँ हाँ दे दूंगी जादुई दंड, पहले पहचान के तो दिखाओ इसमें से असली कौन है। मिंटू बताओ तू सुबह उठने के बाद क्या करता है? भैया पॉटी करने जाता हूँ। अरे ये दोनों तो एक ही जवाब दे रहा है। अच्छा आप बताओ मुझे क्या चलाना आता है, बस ट्रेन एरोप्लेन या साइकिल? साइकिल। भैया तुम्हें बस ट्रेन एरोप्लेन साइकिल सब चलाने आता है, ये सब छोटी मोटी चीज है। ये असली मिंटू है, मैंने पहचान लिया ना, अब मुझे एक बार अपना जादुई दंड दो थोड़ा खेलने के लिए, उसके बाद हम लोग को खा जाना। ठीक है ये लो थोड़ा सा खेल के जल्दी देना। हे जादुई दंड इस चुड़ैल को मुर्गी बना दो। अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल तू अब नहीं बचेगी, कोई आएगा तुम्हें पकड़ेगा और मुर्गी का लेग पीस बना के खा जाएगा। हम लोग तो ऑटो से चले घर। क्या मुझे ठीक तो करके जाओ। मिंटू भाई ये लो। बंदर मामा अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, थक गया हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है मिंटू, चल घर से खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो खा पी कर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा मैं घर नहीं जा सकता, घर गया तो पापा दो तीन थाप मार के पहनने बैठा देंगे। घर तो जाना ही पड़ेगा मिंटू, नहीं तो हम लोग की भूख कैसे मिटेगी। एक आइडिया है, घर नहीं जाना पड़ेगा, चलो मैं तुम दोनों को बगीचे से मीठे मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। ये हुई ना बात, जल्दी चलो मीठे मीठे आम खाकर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा ये बगीचे में तो इतने सारे फल खुद से टूट के गिरे हुए हैं। ये कैसे हुआ भाइयों, इतने सारे आम केला खुद से टूट के गिरे हुए हैं? ये आम खुद से टूट के नहीं गिरा है बंदर मामा, वो देखो तोता सब आम तोड़ के गिरा रही है। ऐसे तो ये तोता पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगी। हाँ तो देख क्या रहा मिंटू, वो पत्थर उठा और जोर से मार के भगा दो। आह कितना जोर से मारा, सर फोड़ दिया। बच्चों तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। चुड़ैल ये तो तोता नहीं है भैया, ये तो चुड़ैल है।
बंदर मामा, भैया अब क्या होगा? मालिक तो आया नहीं, अब मैं तुम लोग का खून पीऊंगी। चुड़ैल आंटी, खून तो कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ। दम है तो जो मैं कर सकता हूँ वो करके दिखाओ। ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो मैं नहीं कर सकती? ये देखो मिर्ची खा रहा हूँ, मिर्ची खा सकती हो? बोलो। भैया मिर्ची मैं भी खा सकता हूँ, ये देखो। बचालो, खा गया। चुड़ैल आंटी डर रही है मिर्ची खाने से। मैं डरती नहीं हूँ, सबको डराती हूँ। मिर्ची फेंको, अभी खा के दिखाती हूँ। तो ठीक है, ये लो, अच्छा से चबा के खाना। अरे पीता लग गया, पीता पीता पीता। चुड़ैल आंटी क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी कोई मीठा फल खिलाओ। ठीक है, आ करो, मैं ये केला खिलाता हूँ। अरे फिर से मिर्ची खिला दिया, बहुत जोर से पीता लग रहा है पीता। रुको चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हें ये मीठा मीठा आम खिलाता हूँ। तू भी मिर्ची खिला दिया, मर गया रे, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। खून पीने से पीता नहीं मिटेगा चुड़ैल आंटी, जल्दी पानी पियो, पानी। कहाँ है पानी? अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कुआं है, उसमें डूब के पी लो। भाइयों एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने भी तो मिर्ची खाई थी, तुम दोनों को पीता क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग मिर्ची को बिना काटे डायरेक्ट पेट में निगल गए। हाँ लेकिन भैया कल सुबह पॉटी करते समय तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मिंटू जो होगा सुबह देखा जाएगा, अभी यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो चुड़ैल कुआं में से फिर से आ जाएगी हम लोग का खून पीने। अरे वाह, ये झाड़ू में बैठकर उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ हाँ मिंटू, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी जादुई डंड किसने चुरा ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे चील, जा, जिसने मेरी जादुई डंड ली है उसे सबक सिखा के आ। अरे मिंटू, ये चील तो हमारे पीछे ही आ रही है। हाँ हाँ भैया, जल्दी भगाओ, नहीं तो ये चील मेरा टकला फोड़ देगी। अरे अरे, मेरा टकला फोड़ दी रे, बचाओ बचाओ। चिंटू मिंटू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप तो घर में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको रुको, अभी बताता हूँ। अरे पापा मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं, उसने पूछा था। मैं तुम्हारा पापा नहीं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। भैया तुम्हारे सामने ये चुड़ैल मुझे जोर से थापड़ मार दी। अभी तो सिर्फ थापड़ ही मारी हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। अब क्या होगा भैया, मुझे अभी नहीं मरना था, ये जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ रसगुल्ला आइसक्रीम खाने को मिलती है। वो देख मिंटू, हाथी। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पे आए हैं, अब हमें हाथी चाचा बचा लेंगे। पागल मिंटू, हाथी चाचा नहीं, हाथी राजा बोल, हाथी राजा। अच्छा ठीक है हाथी राजा, जल्दी पास आ जा, ये चुड़ैल का बजा दे बैंड बाजा। ये हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता बच्चों, अभी मैं इसकी क्या हाल करती हूँ देखो। हे मेरी जादुई डंड, इस हाथी को। ओ माँ, जोर से मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम ले लो, 5, 10, 15, 20, 25 का, कुल्फी मलाई बर्फ सब है। हाथी राजा मुझे आइसक्रीम खानी है, बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। भैया घर से बहुत दूर आ गए, अब हमें गाय को लेकर घर जाना चाहिए। तू डर मत मिंटू, आज मैं इस गाय को बहुत सारा घास खिलाऊंगा, तब शाम को बहुत सारा दूध देगी, फिर दोनों मजा से दूध रोटी खाया जाएगा। अरे भैया जिंदा रहेगा तब ना खाएगा दूध रोटी, आगे तो देखो। आगे क्या है आगे?
अरे वाह हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं भैया, हड्डी वाला बोट टंगा हुआ है। तू हड्डी से ज्यादा डर मत मिंटू, तेरे अंदर भी तो हड्डी है। गाय को चरने दे, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरा होगा भैया, देखो नीचे हड्डी गिरा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चल आजा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की, अब तुम बचोगे नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आता, आगे से हटो चुड़ैल आंटी। मुझे ही मार रहे हो, अभी बताती हूँ। चुड़ैल आंटी, तुमने हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा दी, मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। क्या जिंदा खा जाओगी, मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आखिरी इच्छा, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं डांसर बनना चाहता था, मरने से पहले मुझे एक बार नाचना है। ठीक है जल्दी नाचो, फिर मैं तुम दोनों को मजा से खाऊंगी। नाचो भैया, हम लोग मरने वाले हैं, नाचो। अरे ये नाचना बंद कर मिंटू। अब तुम दोनों रेडी हो ना मरने के लिए? चुड़ैल आंटी, मेरी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब तुम्हारी इच्छा क्या है? इतने सारे तरबूज रखी हो, उसमें से मुझे बस एक तरबूज खाने दो। ठीक है जाओ जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे छोड़ो चुड़ैल आंटी, लो तुम भी तरबूज खाओ, और एक लो। वाह भैया मजा आ गया, तुमने तो चुड़ैल आंटी की बैंड बजा दी। चल मिंटू अब घर चलते हैं। भैया ये हेलीकॉप्टर को भी तोड़ दो, नहीं तो फिर कोई आके उड़ाने लगेगा। रुको अभी तोड़ता हूँ। चुड़ैल आंटी फिर से जग गई। अब जल्दी यहाँ से भागना चाहिए मिंटू। चल मेरी गाय जल्दी घर चल, मैं तुम्हें 5 बंडल घास खिलाऊंगा। इतनी मेहनत से ठेला को मारता हूँ धक्का, खा लो 10 रुपया का गोलगप्पा। अरे पापा सुबह से तो चिल्ला रहे हो, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, हम दोनों को एक एक गोलगप्पा खिलाओ, तब सब कोई हमें देखकर पक्का गोलगप्पा खाने आएगा। चुप कर नालायक, शांति से बगल में खड़े रहो और मेरी गोलगप्पे की तारीफ करो, फिर देखो कैसे 5 मिनट में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मिंटू गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट थे ना, मजा आ गया खाने में। हाँ हाँ भैया मजा आ गया खाने में, थोड़ा सा तीता लग रहा है। अरे चिंटू ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। भैया रोने की आवाज उधर से आ रही है, चलो देखकर आते हैं। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो? ये तो चुप हो ही नहीं रहा है। चल मिंटू इसको पापा के पास लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे अरे ये बच्चा तो चुप हो ही नहीं रहा है, रुको मैं इसे 2-3 गोलगप्पे खिलाता हूँ, तब शायद चुप हो जाएगा। नहीं पापा आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पा नहीं खिलाया, तो ये भी एक भी गोलगप्पा नहीं खाएगा। रुको मिंटू मैं इसे स्कूटी पर घुमाता हूँ, तब शायद चुप हो जाए। चलो इसको स्कूटी पर बैठाओ। अरे मिंटू इसे 1-2 गोलगप्पे खिलाने दो, उसके बाद चुप हो जाएगा। नहीं पापा एक बार मैं चुप करा कर देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बाबू? चुप रहो, बिल्कुल चुप। मुझे लगा मेरे भूखे प्यासे बच्चे को कुछ खिलाएंगे, ये लोग तो मार रहे हैं, अभी बताती हूँ। चिंटू मिंटू ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम लोग मेरे बच्चे को कुछ खिला नहीं सकते तो मार क्यों रहे हो? मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को
दूंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना, एक काम करो ये सारे गोलगप्पे ले जाओ, आराम से अपने बच्चे को खिलाते रहना। तो ठीक है, गोलगप्पे का ठेला यहीं छोड़ दो और चुपचाप तुम सब घर जाओ। अरे पापा, आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पे नहीं खिलाया और ये चुड़ैल आंटी को सारे गोलगप्पे फ्री में दे रहे हो। चिंटू मिंटू, तुम दोनों ही सारे गोलगप्पे खा लेना, लेकिन ये चुड़ैल को यहाँ से जल्दी भगाओ। मैं तुम सबका टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल आंटी, ये मेरा फेरू भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत गुस्से में है। तो मैं क्या करूँ? अपने बच्चे को यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो एक बार फेरू को बोल दूंगा तो इसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। क्या शेरू, काट काट ले इसे। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब हमें गोलगप्पा खाने मिलेगा, बंदर मामा रहते तो वो भी मजा से खाते। मिंटू भाई, मैं आ गया, गोलगप्पा खाना है क्या? ये तो मेरा फेवरेट है। पापा, अब आप घर जाओ, हम लोग गोलगप्पा खा पी कर बेचूच कर ठेला घर ले आएंगे। अरे चिंटू भाई, हम लोग उड़ने कैसे लगे? चिंटू, बंदर भाई, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो पिंकी, पता नहीं क्या है, मुझे उस पेड़ के नीचे मिला। ये तो चमक रहा है, लगता है कोई जादुई डंड है। नहीं, ये कोई जादुई डंड नहीं है, सिंपल सा लकड़ी होगा। वो सब छोड़ो चिंटू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ हाँ चिंटू भाई, मुझे भी पार्टी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने केक भी नहीं काटा। मुझे केक चाहिए। अरे चिंटू भाई, इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? शायद ये जादुई डंड के वजह से आया होगा। जादुई डंड? अरे वाह, अब बोलो पिंकी, तुम्हें क्या खाना है? मुझे बहुत सारी रसगुल्ले खानी है। हाँ हाँ चिंटू भाई, मुझे भी ढेर सारे रसगुल्ले खाने हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। हे जादुई डंड, 3 ठो मिठाई का डब्बा ला दो। अरे वाह, मिठाई का डब्बा आ गया, चलो चिंटू बंदर भाई केक रसगुल्ला खाते हैं। हाँ हाँ चलो, टूट पड़ो। मजा आ गया चिंटू भाई केक रसगुल्ला खाके। मिल गए बच्चे, इन्हें ले जाता हूँ अपने ग्रह पर काम करवाऊंगा। अरे चिंटू भाई, हम लोग उड़ने कैसे लगे? उड़ नहीं रहे हैं बंदर भाई, ऊपर देखो, हमें एलियन अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। चिंटू जल्दी कुछ करो। अभी इस एलियन को मजा चखाता हूँ। हे जादुई डंड, एक बड़ा सा सोफा ला दो। अब इस एलियन और यूएफओ को डॉग बना दो। अरे वाह चिंटू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे ठीक कर दो चिंटू, शायद अब ये एलियन हमें परेशान नहीं करेगा। तुम कहती हो तो इसे ठीक कर देता हूँ। हे जादुई डंड, इस एलियन और यूएफओ को पहले जैसा बना दो। भागो भागो, नहीं तो ये हमें कुत्ता बना के छोड़ देंगे। अरे मिंटू, पापा सोए हैं, चल बैठ जल्दी, ऑटो से घूम के आते हैं। भैया, तुम्हें ऑटो चलाने आती है क्या? मैं ट्रेन, एरोप्लेन, बस सब चला लेता हूँ, ये ऑटो तो बहुत छोटी चीज है, चल बैठ जल्दी। आगे देखो भैया, पेड़ है, जल्दी ब्रेक मारो। अरे ब्रेक तो लगी नहीं रहा मिंटू, क्या करूँ? कमर तोड़ दिया रे, किसने मुझे धक्का मारा, मैं उसे खा जाऊंगी। आंटी आप कौन हो, गलती से पेड़ में धक्का लग गई। मैं हूँ चुड़ैल। चुड़ैल आंटी, तुम हमारे शहर में क्या करने आई हो? मैं इधर अपना पेट भरने आई हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। तुम मुझे और मेरे भैया को खाएगी, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे, गला कैसे काटोगे, ये देखो। रुको, मैं तुम्हारे अंदर ही आ जाती हूँ। अब काटो, गला काटो। चुड़ैल तो मिंटू के अंदर घुस गई, अब क्या करूँ?
ऑटो लेकर कहाँ चले गए? वो रहा मेरी ऑटो, आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंटू, तुमने मेरी ऑटो क्यों चलाई? और ये मिंटू नाच क्यों रहा है? पापा, मिंटू नाच नहीं रहा है, इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है? पागल हो गया है क्या? चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नहीं होती। और तू क्या नाच रहा है? चल घर चल। तुमने मुझे लात से मारा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे अरे चिंटू, ये तो सच में चुड़ैल है। मैंने बोला था ना पापा, बेकार में चुड़ैल को भड़का दिया आपने। क्या बोलते हो, चुड़ैल नहीं होती। ये देखो मेरी ऑटो को कुछ मत करो। और शक्ति देखोगे? ये देखो। पापा, मिंटू तो दो ठो हो गया, अब हम असली मिंटू को कैसे पहचानेंगे? अब और जादू मत दिखाना चुड़ैल, तुम बहुत शक्तिशाली हो। चिंटू जल्दी कुछ कर। चुड़ैल आंटी, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या बोला? हाँ, मैं असली मिंटू को पहचान सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना जादुई दंड मुझे देना पड़ेगा थोड़ा खेलने के लिए। हाँ हाँ, दे दूंगी जादुई दंड, पहले पहचान के तो दिखाओ इसमें से असली कौन है। मिंटू बताओ, तू सुबह उठने के बाद क्या करता है? भैया, पॉटी करने जाता हूँ। अरे ये दोनों तो एक ही जवाब दे रहा है। अच्छा आप बताओ, मुझे क्या चलाना आता है? बस, ट्रेन, एरोप्लेन या साइकिल? साइकिल। भैया तुम्हें बस, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल सब चलाने आता है? ये सब छोटी मोटी चीज है। ये असली मिंटू है, मैंने पहचान लिया ना। अब मुझे एक बार अपना जादुई दंड दो थोड़ा खेलने के लिए, उसके बाद हम लोगों को खा जाना। ठीक है, ये लो थोड़ा सा खेल के जल्दी देना। हे जादुई दंड, इस चुड़ैल को मुर्गी बना दो। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल तू अब नहीं बचेगी, कोई आएगा तुम्हें पकड़ेगा और मुर्गी का लेग पीस बना के खा जाएगा। हम लोग तो ऑटो से चले घर। क्या, मुझे ठीक तो करके जाओ। मिंटू भाई ये लो। बंदर मामा, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, थक गया हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है मिंटू, चल घर से खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, खा पी कर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा, मैं घर नहीं जा सकता, घर गया तो पापा दो तीन थाप मार के पहनने बैठा देंगे। घर तो जाना ही पड़ेगा मिंटू, नहीं तो हम लोग की भूख कैसे मिटेगी। एक आइडिया है, घर नहीं जाना पड़ेगा, चलो मैं तुम दोनों को बगीचे से मीठे मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। ये हुई ना बात, जल्दी चलो मीठे मीठे आम खाकर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा, ये बगीचे में तो इतने सारे फल खुद से टूट के गिरे हुए हैं। ये कैसे हुआ भाइयों, इतने सारे आम केला खुद से टूट के गिरे हुए हैं? ये आम खुद से टूट के नहीं गिरा है बंदर मामा, वो देखो तोता सब आम तोड़ के गिरा रही है। ऐसे तो ये तोता पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगी। हाँ तो देख क्या रहा मिंटू, वो पत्थर उठा और जोर से मार के भगा दो। आप कितना जोर से मारा, सर फोड़ दिया। बच्चों तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। क्यों चुड़ैल, ये तो तोता नहीं है भैया, ये तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल आंटी, तुम आम खा नहीं रही हो तो ये सब तोड़ के बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं आम नहीं खाती हूँ, ये सब बर्बाद कर रही हूँ ताकि इस बगीचे का मालिक आए और मैं उसका खून पी जाऊँ। बंदर मामा, भैया अब क्या होगा? मालिक तो आया नहीं, अब मैं तुम लोग का खून पीऊंगी। चुड़ैल आंटी, खून तो कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ। दम है तो जो मैं कर सकता हूँ वो करके दिखाओ। ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो मैं नहीं कर सकती? ये देखो मिर्ची खा रहा हूँ, मिर्ची खा सकती हो? बोलो। भैया मिर्ची मैं भी खा सकता हूँ, ये देखो। बच्चा लोग खा गया, चुड़ैल आंटी डर रही है मिर्ची खाने से। मैं डरती नहीं हूँ, सबको डराती हूँ। मिर्ची फेंको, अभी खा के दिखाती हूँ। तो ठीक है, ये लो अच्छा से चबा के खाना।
ठीक है आ करो, मैं ये केला खिलाता हूँ। अरे फिर से मिर्ची खिला दिया, बहुत जोर से तीता लग रहा है तीता। रुको चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हें ये मीठा मीठा आम खिलाता हूँ। तू भी मिर्ची खिला दिया, मर गया रे, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। खून पीने से तीता नहीं मिटेगा चुड़ैल आंटी, जल्दी पानी पियो पानी। कहाँ है पानी? अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कुआं है, उसमें डूब के पी लो। भाइयों एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने भी तो मिर्ची खाई थी, तुम दोनों को तीता क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग मिर्ची को बिना काटे डायरेक्ट पेट में निगल गए। हाँ लेकिन भैया कल सुबह पॉटी करते समय तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मिंटू जो होगा सुबह देखा जाएगा, अभी यहाँ से जल्दी भागो नहीं तो चुड़ैल कुआं में से फिर से आ जाएगी हम लोग का खून पीने। अरे वाह, ये झाड़ू में बैठकर उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ हाँ मिंटू, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी जादुई डंड किसने चुरा ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे चील जा, जिसने मेरी जादुई डंड ली है उसे सबक सिखा के आ। अरे मिंटू ये चील तो हमारे पीछे ही आ रही है। हाँ हाँ भैया जल्दी भगाओ नहीं तो ये चील मेरा टकला फोड़ देगी। अरे अरे मेरा टकला फोड़ दी रे, बचाओ बचाओ। चिंटू मिंटू तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप तो घर में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको रुको अभी बताता हूँ। अरे पापा मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं उसने पूछा था। मैं तुम्हारा पापा नहीं चुड़ैल हूँ, मैं चुड़ैल। भैया तुम्हारे सामने ये चुड़ैल मुझे जोर से थापड़ मार दी। अभी तो सिर्फ थापड़ ही मारी हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। अब क्या होगा भैया, मुझे अभी नहीं मरना था, ये जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ रसगुल्ला आइसक्रीम खाने को मिलती है। वो देख मिंटू हाथी। अरे वाह बिल्कुल सही समय पे आए हैं, अब हमें हाथी चाचा बचा लेंगे। पागल मिंटू, हाथी चाचा नहीं हाथी राजा बोल, हाथी राजा। अच्छा ठीक है हाथी राजा, जल्दी पास आ जा, ये चुड़ैल का बजा दे बैंड बाजा। ये हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता बच्चों, अभी मैं इसकी क्या हाल करती हूँ देखो। हे मेरी जादुई डंड, इस हाथी को ओ माँ जोर से मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। नहीं मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम ले लो 5, 10, 15, 20, 25 का, कुल्फी मलाई बर्फ सब है। हाथी राजा मुझे आइसक्रीम खानी है, बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। भैया घर से बहुत दूर आ गए, अब हमें गाय को लेकर घर जाना चाहिए। तू डर मत मिंटू, आज मैं इस गाय को बहुत सारा घास खिलाऊंगा, तब शाम को बहुत सारा दूध देगी, फिर दोनों मजा से दूध रोटी खाया जाएगा। अरे भैया जिंदा रहेगा तब ना खाएगा दूध रोटी, आगे तो देखो। आगे क्या है आगे? अरे वाह हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं भैया, हड्डी वाला बोट टंगा हुआ है। तू हड्डी से ज्यादा डर मत मिंटू, तेरे अंदर भी तो हड्डी है, गाय को चरने दे, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरा होगा भैया, देखो नीचे हड्डी गिरा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चल आजा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की? अब तुम बचोगे नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आता, आगे से हटो चुड़ैल आंटी। नहीं इधर नहीं इधर नहीं, मेरी हेलीकॉप्टर लेके मुझे ही मार रहे हो, अभी बताती हूँ। चुड़ैल आंटी तुमने
हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा दी? मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी क्योंकि मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। क्या जिंदा खा जाओगी? मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं डांसर बनना चाहता था, मरने से पहले मुझे एक बार नाचना है। ठीक है जल्दी नाचो, फिर मैं तुम दोनों को मजा से खाऊंगी। नाचो भैया, हम लोग मरने वाले हैं, नाचो। अरे ये नाचना बंद कर मिंटू। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम। अब तुम दोनों रेडी हो ना मरने के लिए? चुड़ैल आंटी, मेरी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब तुम्हारी इच्छा क्या है? इतने सारे तरबूज रखी हो, उसमें से मुझे बस एक तरबूज खाने दो। ठीक है जाओ जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे छोड़ो चुड़ैल आंटी, लो तुम भी तरबूज खाओ। और एक लो। वाह भैया मजा आ गया, तुमने तो चुड़ैल आंटी की बैंड बजा दी। चल मिंटू अब घर चलते हैं। भैया ये हेलीकॉप्टर को भी तोड़ दो, नहीं तो फिर कोई आके उड़ाने लगेगा। रुको अभी तोड़ता हूँ। चुड़ैल आंटी फिर से जग गई। अब जल्दी यहाँ से भागना चाहिए मिंटू। चल मेरी गाय जल्दी घर चल, मैं तुम्हें 5 बंडल घास खिलाऊंगा। इतनी मेहनत से ठेला को मारता हूँ धक्का, खा लो 10 रुपया का गोलगप्पा। अरे पापा सुबह से तो चिल्ला रहे हो लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, हम दोनों को एक एक गोलगप्पा खिलाओ, तब सब कोई हमें देखकर पक्का गोलगप्पा खाने आएगा। चुप कर नालायक, शांति से बगल में खड़े रहो और मेरी गोलगप्पे की तारीफ करो, फिर देखो कैसे 5 मिनट में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मिंटू गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट थे ना, मजा आ गया खाने में। हाँ भैया मजा आ गया खाने में, थोड़ा सा तीता लग रहा है। अरे चिंटू ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। भैया रोने की आवाज उधर से आ रही है, चलो देखकर आते हैं। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो? ये तो चुप हो ही नहीं रहा है। चल मिंटू इसको पापा के पास लेकर चलते हैं। हाँ चलो। अरे अरे ये बच्चा तो चुप हो ही नहीं रहा है, रुको मैं इसे 2-3 गोलगप्पे खिलाता हूँ तब शायद चुप हो जाएगा। नहीं पापा आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पा नहीं खिलाया, तो ये भी एक भी गोलगप्पा नहीं खाएगा। रुको मिंटू मैं इसे स्कूटी पर घुमाता हूँ तब शायद चुप हो जाए, चलो इसको स्कूटी पर बैठाओ। अरे मिंटू इसे 1-2 गोलगप्पे खिलाने दो, उसके बाद चुप हो जाएगा। नहीं पापा एक बार मैं चुप करा कर देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बाबू? चुप रहो, बिल्कुल चुप। मुझे लगा मेरे भूखे प्यासे बच्चे को कुछ खिलाएंगे, ये लोग तो मार रहे हैं, अभी बताती हूँ। चिंटू मिंटू ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम लोग मेरे बच्चे को कुछ खिला नहीं सकते तो मार क्यों रहे हो? मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को खिला दूंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना, एक काम करो ये सारे गोलगप्पे ले जाओ, आराम से अपने बच्चे को खिलाते रहना। तो ठीक है गोलगप्पे का ठेला यहीं छोड़ दो और चुपचाप तुम सब घर जाओ। अरे पापा आपने तो मुझे एक भी गोलगप्पे नहीं खिलाया और ये चुड़ैल आंटी को सारे गोलगप्पे फ्री में दे रहे हो। चिंटू मिंटू तुम दोनों ही सारे गोलगप्पे खा लेना, लेकिन ये चुड़ैल को यहाँ से जल्दी भगाओ। मैं तुम सबका टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल आंटी ये मेरा शेरू भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत गुस्से में है। तो मैं क्या करूँ? अपने बच्चे को यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो एक बार शेरू को बोल दूंगा तो इसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। क्या शेरू, काट काट ले इसे। नहीं मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब हमें गोलगप्पा खाने मिलेगा, बंदर मामा रहते तो।
मिंटू भाई मैं आ गया, गोलगप्पा खाना है क्या? ये तो मेरा फेवरेट है। पापा अब आप घर जाओ, हम लोग गोलगप्पा खा पी कर बेचूच कर ठेला घर ले आएंगे। अरे चिंटू भाई हम लोग उड़ने कैसे लगे? चिंटू बंदर भाई तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो पिंकी, पता नहीं क्या है मुझे उस पेड़ के नीचे मिला। ये तो चमक रहा है, लगता है कोई जादुई डंड है। नहीं ये कोई जादुई डंड नहीं है, सिंपल सा लकड़ी होगा। वो सब छोड़ो चिंटू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ हाँ चिंटू भाई मुझे भी पार्टी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने केक भी नहीं काटा। मुझे केक चाहिए। अरे चिंटू भाई इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? शायद ये जादुई डंड के वजह से आया होगा। जादुई डंड? अरे वाह, अब बोलो पिंकी तुम्हें क्या खाना है? मुझे बहुत सारी रसगुल्ले खानी है। हाँ हाँ चिंटू भाई मुझे भी ढेर सारे रसगुल्ले खाने हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। हे जादुई डंड 3 ठो मिठाई का डब्बा ला दो। अरे वाह मिठाई का डब्बा आ गया, चलो चिंटू बंदर भाई केक रसगुल्ला खाते हैं। हाँ हाँ चलो टूट पड़ो। मजा आ गया चिंटू भाई केक रसगुल्ला खा के। मिल गए बच्चे, इन्हें ले जाता हूँ अपने ग्रह पर काम करवाऊंगा। अरे चिंटू भाई हम लोग उड़ने कैसे लगे? उड़ नहीं रहे हैं बंदर भाई, ऊपर देखो हमें एलियन अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। चिंटू जल्दी कुछ करो। अभी इस एलियन को मजा चखाता हूँ। हे जादुई डंड एक बड़ा सा सोफा ला दो। अब इस एलियन और यूएफओ को डॉग बना दो। अरे वाह चिंटू भाई तुमने तो कमाल कर दिया। इसे ठीक कर दो चिंटू, शायद अब ये एलियन हमें परेशान नहीं करेगा। तुम कहती हो तो इसे ठीक कर देता हूँ। हे जादुई डंड इस एलियन और यूएफओ को पहले जैसा बना दो। भागो भागो नहीं तो ये हमें कुत्ता बना के छोड़ देंगे। अरे मिंटू पापा सोए हैं, चल बैठ जल्दी ऑटो से घूम के आते हैं। भैया तुम्हें ऑटो चलाने आती है क्या? मैं ट्रेन एरोप्लेन बस सब चला लेता हूँ, ये ऑटो तो बहुत छोटी चीज है, चल बैठ जल्दी। आगे देखो भैया पेड़ है, जल्दी ब्रेक मारो। अरे ब्रेक तो लगी नहीं रहा मिंटू, क्या करूँ? कमर तोड़ दिया रे, किसने मुझे धक्का मारा, मैं उसे खा जाऊंगी। आंटी आप कौन हो? गलती से पेड़ में धक्का लग गई। मैं हूँ चुड़ैल। चुड़ैल आंटी तुम हमारे शहर में क्या करने आई हो? मैं इधर अपना पेट भरने आई हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। तुम मुझे और मेरे भैया को खाएगी, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे, गला कैसे काटोगे ये देखो। रुको मैं तुम्हारे अंदर ही आ जाती हूँ। अब काटो गला काटो। चुड़ैल तो मिंटू के अंदर घुस गई, अब क्या करूँ? ये चिंटू मिंटू दोनों मेरी ऑटो लेकर कहाँ चले गए? वो रहा मेरी ऑटो, आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंटू तुमने मेरी ऑटो क्यों चलाई? और ये मिंटू नाच क्यों रहा है? पापा मिंटू नाच नहीं रहा है, इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है, पागल हो गया है क्या? चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नहीं होती। और तू क्या नाच रहा है, चल घर चल।
असली कौन है? मिंटू बताओ, तू सुबह उठने के बाद क्या करता है? भैया पॉटी करने जाता हूँ। अरे ये दोनों तो एक ही जवाब दे रहा है। अच्छा आप बताओ, मुझे क्या चलाना आता है, बस, ट्रेन, एरोप्लेन या साइकिल? साइकिल। भैया तुम्हें बस, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल सब चलाने आता है? ये सब छोटी मोटी चीज है। ये असली मिंटू है, मैंने पहचान लिया ना। अब मुझे एक बार अपना जादुई डंड दो थोड़ा खेलने के लिए, उसके बाद हम लोगों को खा जाना। ठीक है, ये लो थोड़ा सा खेल के जल्दी देना। हे जादुई डंड, इस चुड़ैल को मुर्गी बना दो। अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल तू अब नहीं बचेगी, कोई आएगा तुम्हें पकड़ेगा और मुर्गी का लेग पीस बना के खा जाएगा। हम लोग तो ऑटो से चले घर। क्या, मुझे ठीक तो करके जाओ। मिंटू भाई ये लो। बंदर मामा अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, थक गया हूँ बहुत जोर से, भूख लगी है। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है मिंटू, चल घर से खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, खा पी कर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा मैं घर नहीं जा सकता, घर गया तो पापा दो तीन थाप मार के पहनने बैठा देंगे। घर तो जाना ही पड़ेगा मिंटू, नहीं तो हम लोग की भूख कैसे मिटेगी। एक आइडिया है, घर नहीं जाना पड़ेगा, चलो मैं तुम दोनों को बगीचे से मीठे मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। ये हुई ना बात, जल्दी चलो मीठे मीठे आम खाकर फिर से खेलने आएंगे। बंदर मामा ये बगीचे में तो इतने सारे फल खुद से टूट के गिरे हुए हैं। ये कैसे हुआ भाइयों, इतने सारे आम केला खुद से टूट के गिरे हुए हैं? ये आम खुद से टूट के नहीं गिरा है बंदर मामा, वो देखो तोता सब आम तोड़ के गिरा रही है। ऐसे तो ये तोता पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगी। हाँ तो देख क्या रहा मिंटू, वो पत्थर उठा और जोर से मार के भगा दो। आह कितना जोर से मारा, सर फोड़ दिया। बच्चों तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। क्यों चुड़ैल, ये तो तोता नहीं है भैया, ये तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल आंटी, तुम आम खा नहीं रही हो तो ये सब तोड़ के बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं आम नहीं खाती हूँ, ये सब बर्बाद कर रही हूँ ताकि इस बगीचे का मालिक आए और मैं उसका खून पी जाऊँ। बंदर मामा भैया अब क्या होगा, मालिक तो आया नहीं, अब मैं तुम लोग का खून पीऊंगी। चुड़ैल आंटी, खून तो कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ, दम है तो जो मैं कर सकता हूँ वो करके दिखाओ। ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो मैं नहीं कर सकती? ये देखो मिर्ची खा रहा हूँ, मिर्ची खा सकती हो? बोलो। भैया मिर्ची मैं भी खा सकता हूँ, ये देखो। बच्चा लोग खा गया, चुड़ैल आंटी डर रही है मिर्ची खाने से। मैं डरती नहीं हूँ, सबको डराती हूँ, मिर्ची फेंको, अभी खा के दिखाती हूँ। तो ठीक है ये लो, अच्छा से चबा के खाना। अरे तीता लग गया, तीता तीता तीता। चुड़ैल आंटी क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी कोई मीठा फल खिलाओ। ठीक है आ करो, मैं ये केला खिलाता हूँ। अरे फिर से मिर्ची खिला दिया, बहुत जोर से तीता लग रहा है तीता। रुको चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हें ये मीठा मीठा आम खिलाता हूँ। तू भी मिर्ची खिला दिया, मर गया रे, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। खून पीने से तीता नहीं मिटेगा चुड़ैल आंटी, जल्दी पानी पियो पानी। कहाँ है पानी? अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कुआं है, उसमें डूब के पी लो। भाइयों एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने भी तो मिर्ची खाई थी, तुम दोनों को तीता क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग मिर्ची को बिना काटे डायरेक्ट पेट में निगल गए। हाँ लेकिन भैया कल सुबह पॉटी करते समय तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मिंटू जो होगा सुबह देखा जाएगा, अभी यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो चुड़ैल कुआं में से फिर से आ जाएगी हम लोग का खून पीने। अरे वाह, ये झाड़ू में बैठकर उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ हाँ मिंटू, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी जादुई डंड किसने चुरा ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
हे चील, जा जिसने मेरी जादुई डंड ली है उससे सबक सिखा के आ। अरे मिंटू, ये चील तो हमारे पीछे ही आ रही है। हाँ हाँ भैया, जल्दी भगाओ नहीं तो ये चील मेरा टकला फोड़ देगी। अरे अरे, मेरा टकला फोड़ दी रे, बचाओ बचाओ। चिंटू मिंटू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, आप तो घर में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको रुको, अभी बताता हूँ। अरे पापा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं, उसने पूछा था। मैं तुम्हारा पापा नहीं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। भैया, तुम्हारे सामने ये चुड़ैल मुझे जोर से थापड़ मार दी। अभी तो सिर्फ थापड़ ही मारी हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। अब क्या होगा भैया, मुझे अभी नहीं मरना था, ये जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ रसगुल्ला आइसक्रीम खाने को मिलती है। वो देख मिंटू, हाथी। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पे आए हैं, अब हमें हाथी चाचा बचा लेंगे। पागल मिंटू, हाथी चाचा नहीं, हाथी राजा बोल, हाथी राजा। अच्छा ठीक है, हाथी राजा जल्दी पास आ जा, ये चुड़ैल का बजा दे बैंड बाजा। ये हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता बच्चों, अभी मैं इसकी क्या हाल करती हूँ देखो। हे मेरी जादुई डंड, इस हाथी को। ओ माँ, जोर से मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम ले लो, 5, 10, 15, 20, 25 का, कुल्फी, मलाई, बर्फ सब है। हाथी राजा, मुझे आइसक्रीम खानी है। बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। भैया, घर से बहुत दूर आ गए, अब हमें गाय को लेकर घर जाना चाहिए। तू डर मत मिंटू, आज मैं इस गाय को बहुत सारा घास खिलाऊंगा, तब शाम को बहुत सारा दूध देगी, फिर दोनों मजा से दूध रोटी खाया जाएगा। अरे भैया, जिंदा रहेगा तब ना खाएगा दूध रोटी, आगे तो देखो। आगे क्या है आगे? अरे वाह, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं भैया, हड्डी वाला बोट टंगा हुआ है। तू हड्डी से ज्यादा डर मत मिंटू, तेरे अंदर भी तो हड्डी है, गाय को चरने दे, चल हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरा होगा भैया, देखो नीचे हड्डी गिरा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चल आजा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की, अब तुम बचोगे नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आता, आगे से हटो चुड़ैल आंटी। नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। मेरी हेलीकॉप्टर लेके मुझे ही मार रहे हो, अभी बताती हूँ। चुड़ैल आंटी, तुमने हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा दी, मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। क्या जिंदा खा जाओगी? मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं डांसर बनना चाहता था, मरने से पहले मुझे एक बार नाचना है। ठीक है ठीक है।